टेक टिप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप वेब ब्राउजर में गूगल लेंस का यूज करके फोटोज को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी गूगल क्रोम ओपन कर रखा है। गूगल क्रोम में मैंने एक वेब पेज ओपन कर रखा है, कोई भी वेब पेज ओपन कर सकते हैं। और फोटो को सर्च करने के लिए आप ब्राउजर के एड्रेस बार पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही यहाँ राइट साइड में एड्रेस बार पे गूगल लेंस आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, सेलेक्ट एनीथिंग टू सर्च विद गूगल लेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रॉस का माउस का आइकन आ गया है, इस पर आप डबल टैप करके ड्रैग कीजिए, जो भी एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको ड्रैग करके होल्ड करके खींचते जाइए और जहां तक आप करना चाहते हैं वहां तक सेलेक्ट करके उसे छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे राइट साइड में जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड फोटोज और वीडियोज आपको यहाँ पर लिस्ट करने लगेगा और उस पर क्लिक कर आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर आप गूगल लेंस का यूज करके वेब ब्राउजर से किसी भी वेब पेज के किसी भी एरिया को सेलेक्ट कर उससे रिलेटेड फोटोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में।